मैं विशाल सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट एज वेल एज फिटनेस ट्रेनर। तो दोस्तों आज मैं कार्डियो वर्कआउट परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे वेट लॉस के लिए, हमारी फैट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है। इसमें मैं 6 वेरिएशन लगाऊंगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है हमारे वेट लॉस के लिए, हमारी फैट लॉस के लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना और इस वीडियो को पूरा देखना। और जो नए लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो उनके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम जो हमारा जो मेन वर्कआउट है वो स्टार्ट करेंगे। हमारी वार्म अप एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम अपना जो मेन वर्कआउट है वो स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सेकेंड वेरिएशन है वो है स्पोर्ट जंप। हमने एक जगह पे खड़ के जंप करना है, जितना ज्यादा हम जंप कर सकते उतना ज्यादा जंप करना है। और जो जंप है वो हमने अपने टोल्स के ऊपर जंप करना है। उसके बाद जो इसके 3 सेट होंगे, जो इसका ड्यूरेशन होगा वो 30 सेकेंड का होगा, और इसमें जो रेस्ट होगी वो भी 30 सेकेंड की होगी। जो हमारा अगला वेरिएशन है वो है जंपिंग फॉरवर्ड एंड फुट फायर। हमने एक जगह से खड़े होके जंप करना है, उसके बाद जो फुट फायर पोजीशन में हमने बैक आना है। एक बार देख लीजिए कैसे करना है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप अपनी जगह पे खड़े हैं, यहां से आपने जंप करना है लाइक दिस, देन टू कम बैक लाइक दिस। ओके, सो स्टार्ट। अगर आप इसे थोड़ा सिंपल बनाना चाहते हैं, तब आपने यहां से सिंपली आपने जैसे जंप करना है, उसके बाद सिंपल बैक आना है, फिर उसके बाद आपने जंप किया और स्टार्टिंग पीछे बाउंस आ गए, फिर देन जंप एंड बैक, जंप एंड back, jump, simply back,
जंप देन बैक। आप जितना जंप कर सकते हैं उतना जंप कीजिए, उसके बाद आप फिर पीछे वापस अपनी जगह पे आएंगे जहाँ से आपने जंप किया था, फिर वहीं पे वापस जाएंगे। ये जो हमने जंपिंग फॉरवर्ड और एंड फुट फायर एक्सरसाइज लगाई, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, ये थोड़ा स्लिपरी है इसलिए यहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा। तो आपने ये जो एक्सरसाइज है, ये जो वेरिएशन है, यहाँ पे स्लिपरी ना हो वहीं पे आपने ये वाली एक्सरसाइज है वो उसके यहाँ परफॉर्म करना है। हमारा नेक्स्ट वेरिएशन है वो है फ्लोर टच। आपने ऐसे खड़े हो जाना, उसके बाद आपने नीचे फ्लोर को टच करना। एक बार देख लीजिए कैसे आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज वो है बट किक। तो आप देख लीजिए आपके जो हाथ हो गए वो पीछे जाएंगे, उसके बाद आपने अपने फुट से किक करना है ऐसे, और आपने ट्राई करना है कि आप अपनी जो हील से जो आपके हैंड्स पीछे है उसको टच करें। ये देखिए ऐसे ऐसे। नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं हमने कैसे लगाना है। तो अगर आप ये सिक्स एक्सरसाइज सिक्स वेरिएशन आप डेली लगाओगे तो आप डेफिनेटली अपना वेट कम कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, आपका जो एक्सरसाइज है वो तो आप ठीक लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान नहीं देते तो जो आपका वेट है वो कम होने में, वेट जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आप अपनी जो न्यूट्रिशन का है उसका भी आप ध्यान रखिए, उसके साथ साथ जो आप एक्सरसाइज लगाते हैं इन दोनों का आपने ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपका एक्सरसाइज जो आप कैलोरी यूटिलाइजेशन आपका ठीक है लेकिन जो आपका जो कैलोरी इनटेक है वो ठीक नहीं है, तब आपका जो वेट है वो वेट तो निकलेगा आपका, इस एक्सरसाइज को लगाने से वेट निकलेगा लेकिन उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप अपने वर्कआउट के साथ साथ अपनी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं, अपनी जो कैलोरी इनटेक है उसका भी ध्यान रखते हैं, तो आपका वेट है वो बहुत जल्दी और कम समय में जो कम होगा वो बहुत जल्दी आपका वेट है वो कम होगा। तो आप इसके वर्कआउट के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखिए, दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखिए।